नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने देख लिया, हिस्ट्री में पढ़ा, जो आपके चार लेक्चर हो चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत मैंने प्रीवियस लेक्चर में शुरू कर दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही समाप्ति हम लोग कर चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी और उसके जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए हर जगह विद्रोह पैदा होने लगे थे, इसी पर हम थे और कहे थे कि हम आगे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इल्तुतमिश के शासन के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक, और अगली क्लास में हम बलबन को और रजिया को देखेंगे। तो आज इल्तुतमिश का पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास आगे बढ़ाने से पहले, ये जो आपके लेक्चर हैं 10+ कोर्स के तहत दिए जा रहे हैं, जिस पे आपके सभी वीडियो क्लासेस जितने भी सब्जेक्ट की चल रही हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी आपको एक रुपये नहीं पे करना है उसके लिए। अगर आप इन सभी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं रिविज़न पर्पज से, तो आप हमारा PDF सब्सक्रिप्शन प्लान जो 3 मंथ के लिए है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें हमारे परीक्षा प्लस ऐप को डाउनलोड करके। ठीक, चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं जहां हमें बात करनी है। मैंने आपसे बताया था कि पिछले लेक्चर में कि हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश कैसे कुतुबुद्दीन गोरी के समय था। ऐसा नहीं था कि गोरी ने इसको नहीं जानता था, ठीक है, कि इल्तुतमिश को गोरी नहीं जानता था, जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, बताऊंगा मैं कैसे जानता था। तो ऐबक का ये दास था, ना कि गोरी का दास था। ये कैसे हुआ वो भी सब बताऊंगा कि कैसे ये सब हुआ। तो अब बताते हैं हम आपसे कि कैसे जो है ऐबक को ये इल्तुतमिश मिलता है। तो मैं आपको कुछ बताता हूं, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में मैं जूम कर रहा हूं आपको, आप देखिए इस फिगर में जो ये मैप है, मैं डार्कनेस कम कर देना हूं ताकि आपको ये फिगर क्लियर दिखाई दे। अब क्लियर हो रहा होगा आपको ये फिगर। इसमें क्या है कि आप जो हम बात कर रहे हैं किसकी, इल्तुतमिश के बारे में, तो हम ये बता रहे हैं कि इल्तुतमिश को ऐबक कैसे मिला। तो मैंने आपसे बताया था तुर्किस्तान, ये भी तुर्किस्तान का ही था, तुर्क था, ठीक है, और शामसी एक वंश था उसी का था। तो इसने अपना जब ये राजा बना, जब दिल्ली सल्तनत पे बैठा, तो इसने अपने वंश से नहीं चला, ये गुलाम वंश के ही अंतर्गत चला। इसका भी एक शामसी वंश था तुर्किस्तान में, उसी के जो है इल्बरी तुर्क था, ये एक तरह से बोल सकते हो, ये इल्बरी तुर्क था, इन्हीं के जो पिताश्री थे वो उस कबीले के, इल्बरी कबीले के, इलाब खान नाम था उनका, वहीं के वो राजा थे। जब उनके देहांत हो जाता है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब वो कबीला तहस नहस हो जाता है और इनकी उम्र बहुत छोटी रहती है। तो इनको ये भी उसी चपेट में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिस चपेट में आए थे, कि जब भी मतलब उनका परिवार बिखर जाता है तो वहाँ क्या लोग करते थे कि एक जो सिस्टम चला था आपका व्यापार का, कि वहाँ बच्चों को पकड़ के जो छोटे होते थे उनको शिक्षा दीक्षा देते थे और उन्हें एक दास की तरह राजाओं को बेच देते थे। तो उसी में इनको भी एक जो है जलालुद्दीन नाम था उस व्यापारी का, वो इनको पाता है इल्तुतमिश को, कहाँ से, तुर्किस्तान से। वो तुर्किस्तान जो है वो कजाकिस्तान में है, और वो जो आपका आया था कौन, ऐबक आया था, वो कजाकिस्तान से तुर्कमिस्तान में आया था, उसके बाद से ईरान के पास उसे बेचा गया था निशापुर में। मगर इसे जो है तुर्किस्तान से, ठीक है, जो जलालुद्दीन वो व्यापारी होता है वो लेके कहाँ आता है, इस तुर्किस्तान से वो व्यापारी उन्हें लेकर अफगानिस्तान आता है, जहाँ, ठीक है, कौन रहता है भाई, गोरी रहता है, गजनी पे राज किसका रहता है, गोरी का, वहीं गोर साम्राज्य रहता है, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है, उसे शुरुआत की बात है। तो उस समय यहाँ पे राजा रहता है गोरी, तो इसका जो दाम लगाया रहता है ना, इसको जो जलालुद्दीन है काफ़ी अच्छी शिक्षा, युद्ध शिक्षा, हर क्षेत्र की जो शिक्षा बहुत अच्छा दिया रहता है, बहुत सुंदर रहता है। तो ये इस दास को देख के अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं कहते हैं बहुत अच्छा दास है, बहुत मतलब तेज है, तर्रार है, फुर्तीला है, तो इसीलिए इसकी बोली बहुत अच्छा खासा बोली लगाता है दाम का। तो गोरी कहता भैया नहीं, हमको इतने में देना है इनको, तो दे दो, नहीं तो नहीं, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो वो कहता नहीं है, इससे हम कम नहीं देंगे। तो क्या करता है गोरी, कहता है कि ठीक है, अब अफगानिस्तान में कोई भी इसे खरीदेगा नहीं, रोक लगा देता है कि इसे जो भी खरीदेगा वो राजा का दुश्मन हो जाएगा। तो जलालुद्दीन इसे लेके फिर से वापस चला जाता है तुर्किस्तान। इसी बारे में उस समय जो है लास्ट समय रहता है आपका, तो
उसके बारे में सुनता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक सुनता है कि भाई एक बहुत अच्छा काबिल दास आया था जो गोरी खरीदने में असमर्थ हो गए, तो उसे लगता है। तो मगर वो उस समय दिल्ली के आसपास, यहाँ आपका दिल्ली के आसपास में रहता है, कौन? ऐबक। ऐबक दिल्ली के पास रहता है। जब उसे खबर मिलती है तो वो देख जाता है वहां पे, उसे बोलता है कि अफगानिस्तान में एक बार और आता, वो आता जाता रहता, हर बार आता है कि बोली लगाएंगे हमें कोई खरीद लेगा। मगर वहां पे जब गजनी में गोरी ने मना किया था तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो उसी बीच में ऐबक एक बार गया होता है अफगानिस्तान, तो उसे देखता है तो कहता है ठीक है तुम इसे लेके दिल्ली आना, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली का राजभार सब संभालता है। तो ये जलालुद्दीन जो था व्यापारी, इसे लेकर कहाँ पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है। और वहीं दिल्ली में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात पर 1197 वाली लड़ाई लड़ते हैं, उसी समय इसे वो क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, ये गोरी का दास ना होकर किसका दास बन जाता है भाई? ऐबक का दास बन जाता है। तो जब ऐबक का दास बन जाता है तब ये क्या करता है, लास्ट जब खोखरों की लड़ाई होती है तो ऐबक भी गोरी का साथ देता है। लास्ट उसका जो अभियान था उसमें ये इल्तुतमिश भी रहता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश रहता है तो इसके कार्य से वो भी खुश होता है गोरी, और उनसे कहता है किसे? ऐबक से, कि इसे दास्ता से मुक्त कर देना। मतलब दास्ता से मुक्त ये होता है कि एक पत्र दिया जाता है कि आप अब हमारे दास नहीं हैं, ठीक है, ऐसा किया जाता है लिख के, तो उसी दास्ता से मुक्त करने की बात कहा रहता है, ठीक। तो ये आ गई इनकी कहानी कि इल्तुतमिश की, कि ये इल्तुतमिश कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बना, गोरी का क्यों नहीं बना, ठीक है। अब ये दास का दास बन गया, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास मतलब गुलामों का गुलाम का भी दर्जा दिया जाता है, ठीक। तो यहां से आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक। तो आपका ये रहा अफगानिस्तान से आए थे दिल्ली, ये फिगर से आप जान लो। यहां से है कजाकिस्तान, यही तुर्किस्तान आपका बसता है, और जो ऐबक था वो कजाकिस्तान से तुर्कमिस्तान आया था और यहाँ निशापुर में आया था, उसे बेचा गया था, ठीक। इल्तुतमिश के बारे में और देख लेते हैं क्या क्या था उनके बारे में डिटेल, उसकी ब्राइटनेस में बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए इल्तुतमिश का समय काल 1211 से लेके 1236 तक, क्योंकि 10 में उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? ऐबक की। और 10 में मृत्यु होने के बाद आराम शाह जो था वो लाहौर के लोग जो तुर्क थे वो उनका राज्याभिषेक वहां कराए थे, ठीक है। तो उसी समय वो 6-7 महीने का उनका कार्यकाल है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे वो और इल्तुतमिश से भिड़ंत होती है उनकी। उसके बाद देख लेते हैं कि जो मैंने बताया था कि इनके ये किसमें थे, तुर्किस्तान के थे, शामसी वंश के इलबरी तुर्क थे। इनके पिता का नाम क्या था? इलाम खा था, ठीक है। खोखरों के प्रति इन्होंने गोरी का समर्थन किया था, साथ दिया था ऐबक के साथ मिलकर, इसलिए गोरी ने इसे एक पदवी दी थी, क्या? अमीरुल उमरा का, ठीक है। और इल्तुतमिश का गुलाम होने के बाद, इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश किसका? ऐबक का। तो ऐबक भी किसका गुलाम था? गोरी का। तो गुलाम का गुलाम हुआ, तो गुलाम का गुलाम हुआ इसीलिए इसे क्या बोला गया? इसे गुलामों का गुलाम भी बोला गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था और यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका? गुलाम वंश का, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं वही 1197 वाली लड़ाई, मैंने जो बताया था आपको कि 1197 में जब ये गुजरात लड़ता उसी समय ऐबक को ये खरीदा होता है। चलिए अब आते हैं इस फिगर पे, और इस फिगर से माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा फिगर अभी आपको, कि कैसे कैसे मतलब जो है इल्तुतमिश बदायूं से, कहाँ का था ये? मैंने आपको जिक्र किया था प्रीवियस में कि उसका क्या दामाद रहता है ऐबक का, और उसे बदायूं का इकतदार बना दिया जाता है। तो कैसे वो बदायूं से दिल्ली तक का सफर तय करता है उसके बारे में हम इस फिगर से आपको समझाएंगे। तो हुआ क्या ऐसा कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है ऐबक की, तो मैंने बताया आपको कि जो लाहौर में होता है, ठीक है, लाहौर में होता है वो कौन बनता है भाई? लाहौर में आराम शाह बनता है, उसका राज्याभिषेक, जो लाहौर के तुर्क होते हैं वो उनके लड़के का राज्याभिषेक करते हैं। लेकिन जो दिल्ली में तुर्क होते हैं, जो दिल्ली के तुर्क होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनके जो दामाद होते हैं, कहाँ रहते हैं? इनके जो दामाद बदायूं में होते हैं, उत्तर प्रदेश के बदायूं में,
वहां से उनको कहते हैं भैया आप आइए, आप यहां दिल्ली में आके ठीक है राज्याभिषेक कराइए, यहां से सत्ता संभालिए दिल्ली की। तो अब दो जगह दोनों लोग समर्थन दोनों अलग अलग लोगों का करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब इसे पता चलता है आराम शाह को कि दिल्ली में राजगद्दी संभालने कौन जा रहा है, इल्तुतमिश जा रहा है, तो उसे हजम नहीं होती है यह बात। और कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि जब भाई उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ वाले और जो होते हैं जो है दास होते हैं, जो कौन कौन, एक एल्दोस जो कहाँ बैठा था गजनी में, और एक कौन यहाँ पे आपका था सिंध उच्च वाले क्षेत्र में था, कौन था कुबाचा, वो भी कहीं ना कहीं गद्दी की तरफ बढ़ते हैं कि भैया जो ये इल्तुतमिश है ये तो आज का लौंडा है, हम तो बहुत पुराने हैं, ठीक है ये सोच के कि हम भी दिल्ली की गद्दी पा जाए। तो अब देखते हैं कि कौन दिल्ली की गद्दी पाता है। तो पहले तो ये आते हैं कौन आराम सा कि नहीं भैया हम इनको दिल्ली पे बैठने नहीं देंगे, ये हमारी बपौती है, ठीक है हम अपने बाप से पाए हैं, मगर ये इतिहासकार इनका जिक्र नहीं करते हैं कि आराम सा उनका पुत्र था, मगर कहीं कहीं आपको मिलेगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये आए यहां से और ये आए बदायूं से, और दिल्ली पे जैसे ये पहुंचे कुछ देर दिल्ली के आसपास में इनके बीच में भिड़ंत हो जाती है, ठीक है 1210 के आसपास, और यहाँ पे ये आराम सा कैद कर लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, कोई ज्यादा डिटेल इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इनका जो है खेल खत्म हो जाता है यहाँ पे। जब ये खत्म हो जाता है तो अब बचे सर्वे सर्वा, यही तो सर्वे सर्वा बचे, और ये दिल्ली में 1211 में क्या करते हैं अपना राज्याभिषेक कराते हैं और दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली सल्तनत पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे ये दिल्ली में बैठते हैं वैसे इनकी जो रफ्तार तेज हो जाती है, जो उच्च में आपका कुबाचा होता है और जो गजनी में यल्दोज होता है, तो यल्दोज जो गजनी में होता है वो अपना क्या होता है धीरे धीरे रुख करता है इधर दिल्ली की तरफ। अब इसे पता चल जाता है कि भैया वो लोग शांत नहीं रहने वाले, क्योंकि वो पुराने हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चाहत है कि हम ही गद्दी संभालें, ठीक हम नए हैं तो ये कैसे गद्दी पे बैठ गया, मगर इसने भी अच्छा काम किया था, इसकी जो वफादारी थी इसकी जो सैन्य कुशलता था इसीलिए तो इसे ऐबक ने खरीदा था, इसके टैलेंट पे ही बल पे तो खरीदा था, तो उसी टैलेंट का ये बल दिखाता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंचते हैं कहाँ, ये पहुंचते हैं तराइन में भाई, फिर से तराइन में हरियाणा के पास पहुंचते हैं, और वहीं पे फिर से तुतमिस भी पहुंचता है और एल्दोज भी पहुंचते हैं। वो समय था 1215, यहाँ पे क्या होता है इन दोनों के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। अभी तक तुमने दो युद्ध पढ़े हैं, तराइन का पहला युद्ध जो किसके किस में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें गोरी ने विजय प्राप्त कर ली, गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की थी पहले में, दूसरे में गोरी विजय प्राप्त करता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, वहीं से यह सब शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। तराइन का यह तीसरा युद्ध है, आपसे अगर पूछे तो इन्होंने कहा अरे सर मैंने तो कभी तराइन का तीसरा युद्ध सुना ही नहीं, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, यल्दोज और इल्तुतमिस के बीच में हुआ था, जहां पे यल्दोज हार गया था और फिर इल्तुतमिस ने हड़का दिया था इसे कि अब कायदे और कानून में रहना, ठीक। तो फिर से वो शांत हो जाता है। अब उसका दोस्त बचता है कौन, कुबाचा, ठीक है उसको भी भाई जोश है गर्म खून है वो भी आता है। ये आते रहते यहां से सिंध से जाते जाते 1217 के आसपास इनसे टकराव होती है। 1217 में इल्तुतमिस और कौन टकराता है, आपका कुबाचा टकराते हैं, और कुबाचा से लाहौर छीन लेता है इल्तुतमिस। जैसे लाहौर छीन लेता है तो सोचता है जो भी और कुछ बचा है सिंधुंद उसे भी छीन लेगा। तो एक बार कहता है कि भैया या तो तुम हथियार डाल लो या हमारे अंडर में काम करो, तो वे सुनते नहीं है। तो सिंध पे जब सिंध की तरफ इल्तुतमिस बढ़ता है तो उसके डर के कारण वो सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है, ऐसा मिलता है, ठीक है। तो इन लोगों की कहानी यही खत्म हो जाती है 1217 तक। अब समय आ गया 1217 का, ठीक। अब इसी के आसपास आपका 1217 1221 में, ठीक है इनको जैसे शांत करता है, तो 1221 का समय आ जाता है कब चंगेज खान की एंट्री होने लगती है यहीं, ठीक है। चंगेज खान मंगोल, ये देखो ये मंगोल है, ये पूरा का पूरा मंगोल कबीला आपका इस साइड भी यहाँ मंगोल साम्राज्य बनता है, पहले ये मंगोल कबीला था यहाँ पे, ठीक है। तो मंगोल कबीला का जो सरदार था, मैं चंगेज खान की थोड़ी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ कि कैसे चंगेज खान आपके इंडिया तक वो आया। तो चंगेज खान के जो पिता थे मंगोल कबीला के मालिक थे, राजा थे, ये सुखई नाम था उनका,
ये जब छोटा रहता है तो ये सुखई काफी युद्ध लड़ते हैं और अपने कई कबीला का एक्सपेंशन करते हैं, अपने साम्राज्य का कई कबीला को जीत लेते हैं। तो उसी में उसका से एक दुश्मन कबीला जन्म ले लेता है, तातार कबीला। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जब ये हमारा चंगेज खान पुत्र राजा बने तो कई कम से कम कबीले कई हों ताकि एक जगह का इसका राजा नियुक्त कर दिया जाए। ठीक, तो उसी समय उससे तातार कबीले वाले काफी नफरत करने लगते हैं ये सुखई से। वो एक प्लान बनाते हैं ये सुखई को मारने के लिए। तो एक उखलट कबीला होता है, वो उखलट कबीला और कोई नहीं, वो ये सुखई के जो ससुर होते हैं उनका होता है। और उनके ससुर उनसे नफरत करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बिटिया को ये भगा ले जाते हैं। ठीक है, तो ततार कबीले वाले ओखलट कबीले से मिल जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि भैया आप उनको न्योता दो ये सुखई को और बुलाओ अपने यहाँ खाने में, और उनके खाने में जहर मिला दो, और जहर ऐसा मिलाओ कि वो धीरे धीरे असर करे, और जब तक वो अपने कबीले में पहुंचे तब तक हम आक्रमण करें और ऐसा लगे कि हम आक्रमण किए हैं, उसके वजह से वो मारे गए उसमें। ऐसे ही प्लान बनाते हैं, प्लान के अनुसार ये सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। न्योता बुलाते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, भाई ससुर के यहाँ से न्योता आया है, चाहे कहीं से आदमी को बुलाया आ जाए वो नहीं जाता, मगर जब ससुराल से बुलावा आ जाता ना तो इंसान किसी भी हालत में हो ससुराल जरूर पहुंचता है। तो वो भी पहुंचता है, जब ससुराल पहुंचता है तो खाना पीना का व्यवस्था होता है, खाता पीता है। अब वो क्या जाने कि मुझे अब मरना है, पॉइजन दे दिया जाता है। और जब अपने कबीले तक आता है तो पॉइजन का असर धीरे धीरे शुरू होता है। उसी समय तातार कबीला अचानक पे मंगोल कबीला पर आक्रमण कर देता है, और वो राजा का जब जहर का असर शुरू होता है तो अपने सैनिकों को संभाल नहीं पाता, नेतृत्व तो अच्छे से कर नहीं पाता है, और एक भाला उस पर जैसे लग जाता है तो पूरा का पूरा चीजें जो है बिखर जाती हैं। जो मंगोल कबीला वाले होते हैं वो हार मान जाते हैं, तातार कबीला वाले उनको पूरा तहस नहस कर देते हैं। किसी तरह इनकी माँ और चंगेज खान बच जाते हैं, इनका उम्र उस समय 11 साल बताया जाता है, बचते हैं। तो उसके बाद जैसे ततार कबीले ने और वहाँ के लोग कुछ लोग उनको वहाँ से सुरक्षित निकालते हैं। फिर बाद में जैसे ही ये सुखई मर जाता है तो उसका जो भाई रहता है एक होतुल्ला खान, तो होतुल्ला खान जो है अब वो चाहता है कि अब जो मंगोल है उस पर राज उसका हो जाए। जितने ये सुखई के काबिल वो थे उनको सबको अपने अंदर करना चाहता है। तो कुछ वफादार होते हैं जो ये सुखाई के होते हैं, वो उनके परिवार को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। हो तुला खान पूरा का पूरा एक जो है उनका मंगोल में शासन करना शुरू कर देता है। अब चंगेज खान जंगल में रहने लगता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या करता है, ठीक चंगेज खान जब जन्मा था तो उसकी माँ ने उसके हथेली पे एक चिन्ह देखा था रेड कलर का, लाल लाल खून। तो वो बोला था कि जब वो जंगल में जाते हैं तो उनकी माँ ने उनके हाथ को देखा, बोला ये लाल खून तुम्हारा कम हो रहा है। तो उसने हाथ को पत्थर से रगड़ के फिर से लाल रेड और कर देता है, कहता है ये खून कम नहीं होगा, क्योंकि जब वो जन्मा रहता है तो बोला जाता है कि उस रेड जो धब्बा था लाल टाइप का, तो ये बताता था, लोग भविष्यवाणी किए थे कि ये जो है अपने हाथों से काफी खून करेगा। वो बात सत्य होती है, इतिहासकार कहते हैं। तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर की क्रूरता बढ़ती जाती है, और वो फिर से धीरे धीरे जो छोटे मोटे कबीले होते हैं पहले उनको लूटपाट करता है और वहां के सैनिकों को अपने में इकट्ठा करता है। धीरे धीरे ऐसे लूटपाट करते करते उसका एक बहुत खासा दोस्त रहता है, जब उसे पता चलता है कि चंगेज अभी जिंदा है तो उसकी सहायता वो करता है अपने कबीले के साथ। और फिर वहीं पे मंगोल कबीला बोरजोलिन एक जगह थी मंगोल में, वहां पे रहते थे ये लोग। ठीक है, ये सुखई का जो मेन परिवार था वहीं रहता था। तो उस बोरजोलिन पे फिर अटैक करता है, जब ऐसे ही पता चलता है कि चंगेज खान आ रहा है तो उसका जो चाचा रहता है होतुल्ला खान वो भाग जाता है वहां से। ठीक है, वो भाग जाता है और फिर से बोरजोलिन पे चंगेज खान का राज हो जाता है। जब चंगेज खान वहीं बोरजोलिन पे फिर से अपना राज फैलाता है तभी उसे गंगेज खान की उपाधि मिलती है, और बाद में चल के वही गंगेज खान चंगेज खान में परिवर्तन हो जाता है। लोग कहते हैं कि इसका नाम चंगेज खान था इसलिए वो मुस्लिम लोग इतिहासकार इसे कहते हैं कई लोग, मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ इसे एक उपाधि मिली थी, वो मुसलमान नहीं था। कई लोग इसे बौद्ध धर्म से भी जोड़ते हैं। ठीक, वही अपना फिर से अपने मित्र के साथ रह के पूरा का पूरा मंगोल साम्राज्य को वो बढ़ाता है। कहा जाता है कि उस समय इसने किसी दुनिया को कोई भी कोना नहीं छोड़ा था। ठीक है, पूरा का पूरा इसका जो साम्राज्य था वो जो महारानी का साम्राज्य था ब्रिटेन के समय में उससे कुछ ही परसेंट कम था। बहुत पूरा चाइना कब्जा कर लिया था, उज्बेकिस्तान तुर्किस्तान जितने भी थे, ईरान अफ्रीका सीरिया सब पर इसका कब्जा हो चुका था। तो उसी में अटैक करते समय ख्वारिज में लास्ट अटैक करता है, जो आपका 1221 में
के आसपास अटैक करता है। ये 1221 मैंने बताया ख्वारिज में अटैक करता है, और ख्वारिज में अटैक करते समय वहां के जो राजकुमार होते हैं ठीक जलालुद्दीन मकबरनी ठीक उन पे अटैक करता है, तो वो भागते हुए किधर सिंध की साइड से इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो जब इंडिया में प्रवेश करते हैं और इल्तुतमिश को पहले ही चंगेज खान खबर कर देता अगर तुम उसे सहारा दिए तो फिर उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो भैया वो जानता है कि जो इतना सब जीत चुका है तो उसके लिए ये इतना इंडिया जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पहले ही सतर्क हो जाता है और यहीं से सिंध के पास वो चला जाता है और उसको जो वहां का राजकुमार ख्वारिज्म का आया था उसे कहता है भैया हाथ जोड़ता है कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो जो भी हम लोग खा पी रहे हैं वो भी नहीं चंगेज खान चैन से हमें जीने नहीं देगा, और उसे प्रवेश करने से एंट्री मारने से रोक लेता है। और वही उसी का पीछा करते करते आपका 1224 के आसपास चंगेज खान सिंध के आसपास आता है और वहीं से लूटपाट करके और उसी के पीछे भाग जाता है। तो इस तरह से चंगेज खान का जो आक्रमण है हमारे इंडिया पर होने से बच जाता है। तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई ये सब वो कहानी है, किताबों में है, ऐसा ना सुनना कि गुरुजी ने तो फेंक फेंक के कहानी सुना दी, ऐसा नहीं है। द सीक्रेट्स ऑफ मंगोल एक किताब है, उसके अंतर्गत मैंने ये आपको बताया है ठीक। तो ये तो हो गया मंगोल का, उसके बाद से ये 24 में इनका आक्रमण टल गया। 24 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे 25 में, तो मैंने आपसे बताया था ऐबक जैसे मरता है तो बंगाल में अली मर्दान एक सरदार रहता है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और राज करने लगता है अलाउद्दीन की टाइटल लेके। बाद में उसी का लड़का जैसे वो एक साल बाद मर जाता है तो उसका लड़का जो होता है इवाज खान वो गैसुद्दीन की टाइटल लेके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, सिक्के चलवाने लगता है, खुतबा पढ़वाने लगता है, मतलब जो जो एक सुल्तान करता है वो करने लगता है। तो 1225 की बात है, तो 1225 दिल्ली से बंगाल की दूरी काफी होती है, ये समझ लो ये है दूरी ठीक है। तो इसे शांत करने के लिए इसे जाना पड़ता, ये जाता है वहां पे 1225 में लड़ाई होती है, वो फिर से अपना हथियार डाल देता है इवाज खान, कहता ठीक है तुम्हारे अंदर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जैसे ही यहां से वापस इसको शांत करके जाते हैं और जैसे दिल्ली तक पहुंचते हैं फिर अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो परेशान हो जाए कि अरे हम यहां जाए यहां जाते रहे, तब तक वो अपने आप को हमेशा कभी स्वतंत्र रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो अब क्या करते हैं 1225 के बाद फिर 1226 में वो ऐसा कदम उठाता है, तो जैसे उठाता है तो अभी अपने बेटे को भेजते हैं नसीरुद्दीन महमूद को, वो जाता है 1226 में यहाँ पे बंगाल में और इवाज को अच्छे से सबक सबक सिखाता है और उसे वहां से हटा देता है और खुद अपने आप वहां पे बंगाल पे गद्दी पर बैठ जाता है ठीक। और मतलब इसकी स्थिति को सही नहीं रहती है, 26 के बाद 2 साल बाद 28 में इसकी मृत्यु हो जाती है, नसीरुद्दीन महमूद की इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है 28 में। और उसी 26 के आसपास ही इल्तुतमिश, क्योंकि यहाँ इल्तुतमिश आ गया होता है 25 में जब गया होता है वहां पे बंगाल में, तो 26 के ही आसपास वो रणथंभौर राजस्थान में कब्जा करता है आक्रमण करके, और नागौर जिला है यहीं पे राजस्थान में वहां पे कब्जा करता है ठीक है। तो ये 26 और 27 में अटैक करके ये राजस्थान के पास का कब्जा कर लेता है। फिर यहाँ पे जैसे ही 29 में 28 में उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, 29 में फिर यहाँ पे एक जो है मलका खलजी नाम था, बलका खलजी ठीक, बलका खलजी नाम का सरदार जो है अपने आप को बंगाल का सुल्तान घोषित कर लेता है। तो अब भैया फिर ये तंग होता है, तो फिर ये उसका बेटा मरा होता है अब तो कोई होता नहीं है, तो 29 में फिर ये बंगाल पे जाता है 29 में और वहां बलका खलजी से युद्ध लड़ता है और वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि बंगाल इनके हाथ में पूरी तरह से जो है 1230 के आसपास इनके अच्छे से पकड़ में आ जाता है बंगाल ठीक। बलका खलजी भी हार मान जाता है, उनके अंतर्गत काम करने लगता है ठीक। तो 1230 के बाद जब वहां से युद्ध जीतते हैं तो 31-32 में, 31 में कहां फिर से इनको युद्ध लड़ना पड़ता है, कहां विद्रोह चालू हो जाता है, ये ग्वालियर में चालू हो जाता है, देख रहे हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में 1231 में आपका अभियान करते हैं इल्तुतमिश, इनका शुरुआत का दौर तो हमेशा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, देखो कैसे बढ़ा रहे हैं, पहले गए बंगाल में इसे शांत किए, राजस्थान पर आक्रमण किए कब 1226 में, 1227 के समय आक्रमण किए, अब 1231 में आपके मध्य प्रदेश में पहुंच गए, ग्वालियर में अटैक किए, वहां आपके मंगलदेव थे उनको अटैक करके ग्वालियर पे वहां से अपने अधीन किए उनको। उसके बाद 31 और 33 में ठीक है, 32 और 33 में
आपके भिलसा यहाँ दिख रहा है, भिलसा और उज्जैन पर कब्जा किया, इसीलिए यहाँ उज्जैन तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक, 32 और 33 में भिलसा उज्जैन पर कब्जा कर लिए, तो ये इनका पूरा का पूरा जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने का स्थिति चल रहा था। उसी के बाद इनका लास्ट में 29 में जब ये यहाँ पे बंगाल को अपने अधीन कर लेते हैं, तभी इनको क्या होता है, बगदाद के खलीफा बुलाते हैं और इन्हें बकायदे एक सर्टिफाइड सुल्तान घोषित करते हैं। ठीक है, उनके बगदाद के खलीफा के वजह से इनके सुल्तान की उपाधि दी जाती है, सुल्तान ए आजम। ठीक है, सुल्तान ए आजम की उपाधि इनको दी जाती है। तो ये वहां से एक तरह से बोले तो दिल्ली में पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन हो जाता है, इल्तुतमिश हो जाता है। ठीक, तो ये आपका इनका पूरा का पूरा साम्राज्य के बारे में बता दिया, इनकी लड़ाई है। लास्ट में ये इनकी जो एक लड़ाई होती है जो 1236 35 और 36 के बीच में करते हैं, वो कहाँ करते हैं, अफगानिस्तान में करते हैं। और इसी समय इनकी जब वो लड़ाई करने जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब तबीयत खराब होती है, धीरे धीरे वो तबीयत और बिगड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक एक पॉइंट देखते हैं। जो मैंने बताया आपको जितनी कहानी है सब अभी इसमें इस पॉइंट में मैंने लिख दिया है, पॉइंट वाइज करके जो मैंने आपको मैपिंग से पढ़ाया है कि उनके कौन कौन से पुत्र थे, क्या क्या नाम थे, मंगोल 21 में मैंने ये सब बता दिया है आपको। अब उनके विजय अभियान के बारे में मैंने आपको सभी बता दिया कि क्या क्या विजय अभियान किए, पूरे मैपिंग से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आते हैं उन पे, सुल्तान की उपाधि के बारे में मैंने उनको बता दिया, कौन दिया था ये जान लो कि कौन थे उस समय वहां के खलीफा बगदाद के, तो अल मुंतसिर बिल्ला। ठीक है, ये जो थे कौन थे, खलीफा थे, इन्होंने ही उसे सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक, 1229 में, तो ये याद रखना कौन था उस समय आपका खलीफा, अल मुंतसिर बिल्ला। ठीक, उसे पूछता नहीं है ऐसा कुछ। उसके बाद से हम आते हैं इनके थोड़े से राज्य प्रशासन में कार्य में कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया था। तो हुआ क्या था भाई कि जब ये राजा बने थे, तब चलते हैं अभी तक तो इनके पूरे हम साम्राज्य का पूरा देख लिए कि कैसे लड़ाई लड़े, अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया। तो जब ये राजा बने उसी समय क्या हुआ था कि मैंने तो बताया तुर्क के बारे में, जो तुर्क सरदार होते थे जो इन्हें निमंत्रण दिए थे दिल्ली में आओ और राज करो, तो उसी समय एक ऐबक के सरदार थे जो समर्थन करने वाले, और एक मुइज्जी तुर्क थे। ठीक है, जो गोरी के जो है समर्थन करते थे, मुइज्जी जो तुर्क थे, तो वो दोनों तुर्क थे, इसीलिए इनको हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं जो ये तो मेरे फेवर वाले तो कोई है नहीं, कहीं हर जगह जनता का विद्रोह समर्थन करके मुझे गद्दी से हटा ना दे। तब ये क्या करता है कि एक 40 गुलामों का, जो इसके अंदर गुलाम होते हैं, 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाता है जिसे चलीसा बोलते हैं। उस गुलाम में अपने मनपसंद जो इसके समर्थन करने वाले लोग होते हैं उनको ही रखता है कि जो भी कुछ होगा तो हम इनकी मदद से इस सत्ता में रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से उसी को क्या बोलते हैं, तुर्कान ए चहलगामी, चलीसा ही बोलते हैं इसे। तो ये आपसे पूछता है कि चलीसा का निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक, और इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो न्याय करने की जो व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी थी। जब ये अपना राज दरबार था इसका जो लगाया था, तो जो राजमहल था उसके आगे जो पिलर लगे होते थे, उस दो बड़े बड़े पिलर थे, दोनों पिलरों पे जो है शेर की आकृति बनवाया था। उस शेर की आकृति में क्या बनाया था, घंटा बनवा दिया था। ठीक है, कि जो भी अगर यहाँ न्याय की भीख मांगने आए तो उस घंटे को बाहर से ही बजा दे, तो राजा जो दरबार में बैठा है उसे पता चल जाएगा कि कोई बाहर आया हुआ है जो राजा से क्या मांग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। ठीक, तो ये कई इतिहासकार कहते हैं कि उनके जो दरबार में एक घंटा हुआ लगा हुआ था जिसे लोग बजाते थे, जिससे क्या होता था कि पता चलता था कोई न्याय मांगने दरबार में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनके बारे में एक और है, एक चीज इन्होंने और शुरू किया था, एकता प्रथा शुरू किया था। एकता प्रथा ये होती है कि उसमें क्या होता था कि ये जो है सैलरी नहीं देते थे। आज क्या करते हो भाई, तुम लोग जब वर्क करते हो तो कहीं भी तो सैलरी बेस्ड होते हो, तुम्हें सैलरी दी जाती है, पैसा दिया जाता, तो वहां सैलरी नहीं दी जाती थी। ठीक, वहां आपको क्या दिया जाता था, एकता मतलब जमीन दिया जाता था कि आपको एक पूरा का पूरा इलाका दे दिया गया, वहां का एकता दारी आपको मतलब पूरा संभालना होता था, वहां के जितने भी जमीन है वहां से जितना उपज होता है उससे जो भी आता है
वो आपको मिलेगा। उससे आप अपना सैन्य खर्चा, आप जहां रह रहे हो वहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा आ रहा है वो सब काट के फिर राजा को भेजना होता था, उसी को एकता बोलते हैं, जहां पे आपको मनी के बदले में क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। तो ये ऐसे इन्होंने कई जगह अपने एकतादार को नियुक्त किया था। उसमें कई एकता होती थी, एक कहलाती थी छोटी एकता, एक बड़ी एकता कहलाती थी। तो छोटी एकता में क्या होता था कि जो सैनिक बल होते थे उन्हें दे दिया जाता था जमीन, कि आप लोग इस जगह की, ये जगह है इसकी एकता आप लोग जो है वसूल करो, मतलब कर राजस्व जो होता था वहां से वसूलना होता था उन्हें। और जो वो राजस्व वसूलते थे उसमें वो अपना खर्चा, मतलब जो भी उनका खर्चा हो सैन्य व्यवस्था करने में, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां चलाने में, जो भी खर्चा है वो काट के जो बचता है वो सुल्तान मतलब इल्तुतमिश के खाते में डाल दिया जाए। ऐसे ही बड़ी एकता में क्या होता था, बड़ी एकता में क्या होते थे, बड़े बड़े जो इनके दरबार में अधिकारी होते थे, ठीक है, एक तो आपके सैन्य वाले हो गए जो सैनिक होते थे, एक जो और अधिकारी होते थे और किसी पोस्ट पे होते थे वो भी रहते थे, प्लस सैनिक व्यवस्था भी रहती थी, तो वहां पे बड़ी एकता दी जाती थी। तो वहां बहुत बड़ा जो है जमीन का वो हिस्सा दिया जाता था उन्हें, कई जगह का हिस्सा होता था। तो उसमें क्या करते थे, राजस्व और सैनिक व्यवस्था हर चीज, अपना खर्चा सबकी जो सबका जो खर्चा आता था हर अधिकारी का काटने के बाद, हर सैनिक का काटने के बाद जो बचते बचता है उसे सुल्तान के खाता में दे दिया जाता था। और यहीं से आपसे यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा था, सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि जो एकता प्रथा थी तो जब यहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता था एकता से तो क्या इसका बचा हुआ हिस्सा सुल्तान के खाते में जाता था या नहीं जाता था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक। तो एकता का इन्होंने शुरुआत किया था। चलो आगे देख लेते हैं कि जब ये अपना ग्वालियर पे अटैक किए थे उसी समय इन्होंने सिक्का चलवाया था सुल्तान की, जब उपाधि इनको सर्टिफाइड मिल गया बगदाद के खलीफा के से कि आप भैया सर्टिफाइड सुल्तान हो, तब इन्होंने अपना सिक्का चलवाया। कौन कौन सा सिक्का चलवाया था, टाका और जितल, दो सिक्के चलवाए थे। जो टाका था आपका वो किसका था, चांदी का सिक्का था, और जो जितल था वो तांबे का सिक्का था, ठीक। तो ये जो सिक्के चलवाए थे, और जैसे ग्वालियर विजिट करते हैं, ग्वालियर जीत जाते हैं जब, तो अपने बेटी के बेटिया के नाम से, जो इनकी रजिया जो इनकी लड़की होती है उसके नाम से सिक्का चलवाते हैं, और साथ ही साथ उस सिक्कों पर, ठीक है, कुछ और अलग से लिखवाते हैं, जो आप लोग देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूं। उन सिक्कों पे ये लिखवाते हैं जब ग्वालियर ये जीत जाते हैं, शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य और धर्म का सूर्य, ठीक, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक, ये सब उस सिक्कों पे, सिक्का जो निकालते हैं क्वाइन निकालते हैं उन पर लिखा रहता है, ठीक। इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर से दिल्ली बनाई थी। पहले क्या था, ऐबक के समय में लाहौर था क्योंकि उसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था, और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में देख लेते हैं, इनके दरबार में कितने लोग विद्वान थे, क्या क्या लिखे थे, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना। मिन्हाज उस सिराज की, जो खुद ही एक दरबारी लेखक थे इनके इल्तुतमिश के समय में, जिन्होंने किसकी रचना की थी, तबका ए नासिरी की रचना की थी, ठीक है। मिन्हाज उस सिराज ने किसकी रचना की थी, तबका ए नासिरी की रचना की थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कूट के माध्यम से, बुक के जब आता है, जब पीसीएस में क्वेश्चन आता है बुक का पूरा कूट बना दिया जाता है, इधर आपका बुक होगा उधर आपके लेखक होंगे, ठीक। तो अभी तक जितना पढ़ा है सब में ये कम से कम इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान जैसे हैं, ऐसे ऐबक में जो दरबारी विद्वान है, गोरी में जो थे, ठीक, गजनवी में जो थे, उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद से इनमें कौन था, एक मलिक ताजुद्दीन था, ये भी इनके दरबार में था। अब इनके निर्माण कार्य को देख लेते हैं कि इनका निर्माण कार्य क्या था। तो मैंने आपसे उसी समय जिक्र किया था ऐबक के ही समय कि जो कुतुब मीनार उन्होंने शुरू किया था उसका पूर्ण रूप से निर्माण कौन कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। तो पूरा निर्माण इन्होंने कराया, उसके बाद से मकबरा का निर्माण इन्होंने कराया, इसीलिए इसे इन्हें जो क्या कहा जाता है, मकबरा का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि मकबरा का जन्मदाता किसे कहा गया है, किस सुल्तान को कहा गया है, तो इल्तुतमिश को कहा गया है, ठीक। और बदायूं में ये थे पहले, तो वहां की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, क्योंकि इक्तदार कहाँ के थे पहले, ये ऐबक के समय बदायूं में, तो वहां पे क्या बनवाया इन्होंने, जामा मस्जिद बनवाया है। और नागौर जो आपका राजस्थान में है, नागौर के किले पर है उनका अंतर किला दरवाजा है,
उसका निर्माण कराया था, और साथ ही साथ दिल्ली में मदरसा बनवाया था विद्यालय पढ़ने के लिए लोगों को। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। उसके बाद से हम आ जाते हैं लास्ट में, मैंने आपसे बताया कि जब 1236 में ये अफगानिस्तान में जा रहे थे लड़ाई के लिए, तो वहां पे इनकी क्या हो जाती है, तबीयत खराब धीरे धीरे शुरू होती है। जब वहां से जीत के आते हैं तो वो अचानक इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो कहाँ रहते हैं भाई, जैसे ऐबक कहाँ थे, लाहौर में थे। तो जिस समय लाहौर में थे तो वो लाहौर में मरे, तो उनका जो मकबरा कहाँ था, लाहौर में था। तो ये कहाँ मरे, ये कहाँ सुल्तान बने थे, ये याद रखना। ये दिल्ली में इनकी राजधानी थी, सब काम दिल्ली से करते थे, तो जब मरेंगे तो इनका मकबरा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। तो इनके जो मकबरा है कहाँ है, दिल्ली में है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है तुम्हें, इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, जिसे कच्ची मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के बारे में हो गया। उसके बाद से ये जब अपना 1231 में जब ग्वालियर पर अभियान किए थे, तभी इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि उस समय उनका जो बेटा था बड़ा, सबसे बड़ा कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद, वो मारा गया था 29 में, मतलब मर गया था। तो अब उनका जो बिटिया थी सबसे प्यारी, रजिया सुल्तान, उनको क्या कहता है कि ये बोलते हैं कि ये हमारी उत्तराधिकारी रहेंगी अगला। ठीक, तो जैसे ही ये मरते हैं तो अब इनके उत्तराधिकारियों के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इनका जो एक पुत्र और रहता है जिसका नाम रहता है रुकनुद्दीन, 1236 में जैसे ही ये मरते हैं तो इनके उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। रजिया को पहले ही उत्तराधिकारी 31 में ही घोषित कर दिए थे, मगर वहां के लोग, जनता जो थी, वो कहते थे नहीं, जो है लेडीज, जो है लड़की, जो है उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है। मगर क्योंकि लड़का अभी एक था ही, इनकी जो दूसरी बीवी थी उनसे एक लड़का था रुकनुद्दीन, ठीक, वो तो था ही। तो ये कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, रुकनुद्दीन बने और बनता है कुछ देर के लिए, फिर बाद में मार दिया जाता है और वो उसका खेल खत्म हो जाता है। तो रुकनुद्दीन जब हर जगह विद्रोह पैदा होने लगा आपका, क्योंकि आपका इल्तुतमिश मर गया, तो जब मर जाएगा कोई राजा तो भाई वही बात जब ऐबक वाली हुई थी कि हर जगह विद्रोह पैदा होना, सब लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, तो जब ऐसा होने लगता है तो किसी को विद्रोह शांत करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ तो भाई कहां कहां विद्रोह होने लगे और कहां कहां लोग स्वतंत्र हो गए, देख लेते हैं उसे। देखिए, कबीरुद्दीन इयाज मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक, मलिक मोहम्मद सलारी बदायू पर अधिकार कर लिया, मलिक सैफुद्दीन कूची हासी पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे सब जगह विद्रोह होने लगे, तो क्या हुआ, रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर जाता है इन सब विद्रोहों को शांत करने के लिए। उसी समय रजिया क्या करती है, इनकी माता क्या नाम था, शाह तुर्कान, ठीक, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन की हत्या करा देती है। और वहां के जो उनके समर्थन थे इल्तुतमिश के, उनके समर्थन से ये गद्दी पर बैठ जाती है। तो इसके बाद से रजिया का समय काल शुरू होता है, रुकनुद्दीन का कोई ज्यादा इसमें रोल नहीं है। ठीक है, तो 6 या 7 महीने के लिए जैसे आराम से आया था, वैसे ये भी 6-7 महीने के लिए बैठते हैं। उसके बाद से इनको मरा देती है रजिया सुल्ताना और इनका खेल खत्म हो जाता है। तो हम अगले अपने लेक्चर में रजिया के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि रजिया का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। उसके बाद से हम बात करेंगे किसके, बलबन के बारे में, क्योंकि उसके बारे में डिटेल हमें पढ़ना है और बलबन से हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इल्तुतमिश से पूछा जाता है। जो जो मैंने बताया आपसे कि इन्होंने क्या क्या किया था, न्याय के लिए क्या किया था, ठीक, इन्होंने बनवाया क्या, इन्हें उपाधि कौन कौन सी मिली थी, ठीक, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वहां वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल नोट्स में दे दिया है, तो जो लोग PDF नोट्स नहीं लिए हो वो ले लो, क्योंकि आपको जो ये लेक्चर मिल रहा है इसमें पूरा का पूरा, उसमें और भी डिटेल जो भी होते हैं फैक्ट, उसमें कवर कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम बलबन के बारे में जिक्र करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।